नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य जारी है। इससे पहले और दूसरे चरण के भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया जा रहा है। बता दें कि पहले चरण में जहां 20 जिलों में कार्य शुरू किया गया, तो वहीं दूसरे चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर व नवादा में सर्वे का काम होना है और कई जगहों पे शुरू भी कर दिया गया है। अब आप भूमि सर्वे के लिए जाएं तो वहां पर आप प्रपत्र दो, जिसमें कि स्वयं घोषणा है, यानी कि जब भी आपके ज़िले में भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है तो वहां पे जब आप शिविर में जाएंगे, भूमि सर्वेक्षण शिविर में, सबसे पहले जो है आपसे प्रपत्र दो भरा जाएगा, जिसमें कि स्व घोषणा के साथ, यानी कि आप खुद जो है अपने ज़मीन के बारे में पूरा ब्यौरा देंगे, जिसमें आप अपने ज़मीन की पूरी जानकारी को भरेंगे। इसके बाद आप उसे अमीन के यहाँ या फिर जमीन सर्वे शिविर में जाकर जमा करेंगे। इस समय के ज़रूरी कागजात जो आपको सर्वे कार्यालय में जमा करना होगा वह है जमाबंदी संख्या या फिर मालगुजारी रसीद की प्रति, खतिहान की नकल या फिर डिजिटलाइज प्रति, जमींदार रैयत की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र खतिहानी, यानी कि यह ज़मीन जो है आपके दादा परदादा के नाम से है तो आपको बताना होगा कि आपके दादा की या फिर आपके परदादा की मृत्यु कब हुई है, इसका जो है प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। जमीन के बंटवारे की प्रति के साथ वंशावली, साथ ही सक्षम न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी, यानी कि अगर आपके ज़मीन का बंटवारा हो गया है और आपके पटीदारों के साथ आपका जो है पंचायत स्तर पे जो है बंटवारा हुआ है या फिर न्यायालय में हुआ है, तो इसकी पूरी कॉपी जो है आपको उस दौरान वहाँ पे दिखानी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आपको अपने खेत की मेड़ को मजबूत करना होगा, यानी कि आपका जो प्लॉट है, आपका जो खेत है, उसकी जो है सीमांकन आप अच्छे से कर लें। जब आपका प्रपत्र दो पूरा हो जाएगा तो आप प्रपत्र तीन को भरेंगे। इसमें आपको अपने वंशावली को भरने के बाद उसे स्व प्रमाणित कर या फिर ग्राम कचहरी के सरपंच के द्वारा बनवा कर जमा करना होगा। इस कागजात का ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाता है। आप प्रपत्र दो और तीन को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in पर जाकर जो है आप इसका प्रपत्र दो और प्रपत्र तीन को जो है आप जमा कर सकते हैं। सर्वे में आपने जो ज़मीन बताया है उस ज़मीन को आपको सीमांकित करना होगा, यानी कि आपको जो है बताना होगा। इससे खेसरा बनाने में कर्मचारियों को आसानी होती है। किस्तवार प्रक्रिया में अमीन द्वारा खेसरा बनाते समय खेत की मेड़ पर जरूर मौजूद रहना चाहिए, यानी कि कहा गया है कि जब भी खेसरा बन रहा हो आपकी ज़मीन का, जब सर्वे का काम हो रहा हो, तो उस समय जो है संबंधित प्लॉट के जो मालिक हैं उनको जो है वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद खानापूरी की प्रक्रिया में भी अमीन द्वारा दिए गए समय पर भूस्वामी को वहाँ मौजूद रहना चाहिए। यहाँ पर यादाश्त पंजिका भी तैयार किया जाता है। अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो इससे ज़मीन सर्वे में गलती की संभावना बहुत ही कम होती है। इन सब चीज़ों के बीच में अहम यह है कि भूस्वामी को खुद इस पूरी प्रक्रिया पर गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारी प्रक्रिया के बाद प्रपत्र सात या फिर जिसे हम LPM भूस्वामियों को दिया जाता है। इस प्रकाशित दस्तावेज पर आप ध्यान से जांच करके देख लें। यदि इस प्रकाशित दस्तावेज में कोई दिक्कत है तो आप प्रपत्र आठ में आप जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप आपत्ति सर्वे कैंप या फिर आप ऑनलाइन भी इसे जमा कर सकते हैं। आप अपनी आपत्ति के पुष्टि के लिए दिए गए तय समय पर सभी कागजातों के साथ पहुँचें और अपनी बात को ईमानदारी के साथ कहें। यहाँ पर कागजात में सुधार करने के बाद कागजात का प्रपत्र 12 में प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि जो आपने गलती में सुधार प्रपत्र 8 में कहा था उसका जो है सुधार के साथ प्रपत्र 12 में जो है फिर से प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर आप अपने खतिहान और नक्शे की अच्छी तरह से जाँच कर लें। अगर आपको लगता है कि इसके बाद कोई गलती कर रहे हैं तो आप जो है उसे प्रपत्र 14 में फिर से आपत्ति दर्ज कर वहां पे जमा करें। यहां एक बार फिर से आप अपने खतियान और नक्शे को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आपत्ति करने का यह जो है सबसे आखिरी मौका आपको मिलेगा। इसके बाद फाइनल नक्शा और खतियान आपके पास होगा, जो कि भविष्य में आपके बच्चों के लिए यह एक तोहफा होगा। विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि कैंप में उन लोगों के उनके ज़मीन के कागजात मांगे जाएंगे जो ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा करेंगे। इसके बाद
कागजों की जांच कर जमीन उनके नाम पर चढ़ा दी जाएगी। इस काम को करने के लिए कैंप में स्पेशल कानून गो और अमीन की तैनाती की गई है। सर्वे के दौरान आम लोगों के सरकारी सार्वजनिक जमीन के संबंध में भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ सभी प्रकार के जमीनों की सर्वे होगी। ऐसे में यह स्पष्ट है कि जमीन से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सर्वे के दौरान कर दिया जाएगा। तो ये थे जमीन से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।